हम आज बात करेंगे जन्म कुंडली के अंदर राहु चौथे भाव के अंदर बैठे हो तो जातक को क्या सुख देते हैं, जातक को किस तरह की तरक्की देते हैं, जातक किस तरह के स्वभाव का होता है, ये सब कुछ आज आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। थोड़ा सावधानी के साथ मेरी वीडियो को देखेगा और अपनी जन्म कुंडली को सामने रख करके देखेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु देव बैठे हुए हों तो कहा जाता है ऐसे व्यक्ति का ध्यान हमेशा रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, वाहन और अपनी एजुकेशन की ग्रोथ पर होगा तो बहुत तरक्की पाएगा। लेकिन जब यहाँ पर राहु देव चौथे भाव के अंदर बैठे हों, व्यक्ति अगर दूसरों के धन को हड़पने की कोशिश करेगा, दूसरों को बरगलाने की कोशिश करेगा, दूसरों को गलत नॉलेज देगा, अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी ना दे करके अपनी कमियों को ठीक ना करने के बजाय वो दूसरों में झांकने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर आए हुए राहु देव अच्छा फल नहीं देते। हमारी पूजनीय लाल किताब के अंदर ये भी कहा जाता है कि राहु और केतु दोनों में से कोई भी ग्रह जब जन्म कुंडली के चौथे भाव में आ करके बैठे हों तो ये यहाँ पर उल्टा सीधा काम नहीं करते। कहा जाता है ये माँ का घर है और माँ के घर के अंदर शत्रु ग्रह हो या पापी ग्रह हो कभी भी बुरा ना करने की कसम खाते हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर चंद्रदेव का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। तो चंद्रदेव कैसे मजबूत होंगे? यदि चंद्रदेव पहले भाव के अंदर बैठे हों, नौवें भाव के अंदर बैठे हों या दूसरे भाव के अंदर बैठे हों तो ऐसी परिस्थिति के अंदर तो ये शुभ फल देते हैं। लेकिन यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का योग हो जाए, चंद्र केतु का योग हो जाए, चंद्र शुक्र का योग हो जाए तो यहाँ पर मिश्रित फल हो जाएगा। यानी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव जहाँ बैठे होंगे वहाँ पे फ्यूज बल्ब लगा होगा। उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, जैसे जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहुदेव विराजमान हो गए लेकिन दसवें भाव के अंदर केतु के साथ चंद्रदेव बैठ गए तो ऐसे व्यक्ति को कामकाज कभी भी स्टेबल तौर पर नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यदि चंद्रदेव पर उनके और भी अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई तो सारी जिंदगी ऐसे व्यक्ति को अपने कामकाज से अनसेटिस्फेक्शन रहती है, हमेशा उसको मानसिक तौर पर समस्याएँ भी रहती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के वो चिड़चिड़ करने लग जाता है, उसके घर में माँ, नानी, दादी और जो भी महिलाएं होती हैं उनकी सेहत और मान सम्मान की कमी भी बार बार बनती रहती है। बेशक वो समाज में, परिवार में सबका कितना भी भला क्यों ना करें लेकिन लोग उन्हें हमेशा गलत ही ठहराते हैं या उनके प्रति सही भावनाएं नहीं रखा करते। इसका उपाय क्या करें ये तो मैं कभी आपको चंद्रदेव के ऊपर वीडियो जब बनाऊंगा तो जरूर दूंगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राहु चौथे भाव के बारे में। सबसे पहला तो यही काम करना है, राहु जब चौथे भाव में बैठे हों तो केतु के सारे काम ठीक रखने चाहिए। अब केतु के सारे काम क्या हो गए? जो आपका वॉशरूम होता है यानी टॉयलेट होते हैं, जो आपके स्टोर रूम्स होते हैं इनको बहुत साफ सुथरा रखना होता है। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से अंधेरा ना रखें, गंदगी ना रखें, आपके टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा हाइजीनफुल हों, सुंदर हों, डेकोरेटेड हों और खुशबूदार भी हों। जितना ज़्यादा आपका वेंटिलेटेड, सुंदर और खूबसूरत बाथरूम होगा, यहाँ पर बैठे हुए राहुदेव आपको हमेशा अच्छा फल देने की शपथ खाएंगे। अब और क्या चीज हो जाती है, जब भी राहुदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर वर्षफल, लाल किताब वर्षफल के हिसाब से जब भी आपके राहुदेव चौथे घर में वापस आएंगे उस साल आपको अपने घर के टॉयलेट में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करानी। कोई छोटी मोटी रिपेयर है तो उसके लिए वह मत पालिएगा कि कोई टैप लीक हो रही है, कहीं पानी की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो थोड़ा करा लीजिएगा, लेकिन सीमेंट ईंट का काम कराना बिल्कुल वर्जित होगा। जैसे ही आप करवाएंगे आपके घर में राहु का भूचाल आएगा, प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेकर के, कामकाज को लेकर के, आपकी सेविंग्स को लेकर के, आपके वाहन सुख को लेकर के कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और क्या चीज होती है, यहाँ पर आए हुए राहुदेव जो कि चंद्रमा की उम्र 24 साल और
राहु की आखिरी उम्र होती है 47 साल, तो जैसे ही केतु का समय शुरू होगा तब तक ये आपको संघर्ष में ही आपको व्यतीत कराते रहते हैं। उपाय क्या करें, सबसे पहले तो आपको ये प्रिकॉशन ही फॉलो करनी होती है। अगली चीज आपको क्या फॉलो करनी होती है, 400 ग्राम साबुत धनिया, गोल वाला धनिया, ये देखिए मसाले वाला धनिया, आपको ये 7 बुधवार लगातार बहती हुई नदी में आपको प्रवाहित करना है। ध्यान रखिएगा, आपने धनिया जल प्रवाह करना है पॉलोथिन से निकाल करके, और पानी जिस तरफ आपसे अगेंस्ट जा रहा हो उसी तरफ आपने मुंह करके प्रवाह करना है। पानी अपनी तरफ ना आ रहा हो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और क्या उपाय करना होता है, आपको अपने जूते, आपको अपने स्लीपर्स, आपको अपने सैंडल्स या जो भी आपके फुटवेयर्स हैं उनको आपने बहुत साफ सुथरा रखना होता है, मेंटेन रखना होता है। और क्या उपाय करना होता है, ऐसे लोगों को बार बार जब भी कामकाज में प्रॉब्लम आए तो उनकी बेसिक नॉलेज के चक्कर में आता है, तो आप अपनी नॉलेज को नरिश करिए, उसे चमकाइए, आप अपनी स्किल पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। ध्यान रखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर विशेष तौर पर लिखा होगा कि आपका ध्यान हमेशा पैसे पर होगा, आपका ध्यान हमेशा प्रॉपर्टी बनाने पर होगा। बनाइए, लेकिन सही रास्ते से बनाइए, ये आपको राहु देव सचेत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, घर के अंदर गंगा जल और चांदी की चीजें ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो आपका चंद्रमा यहाँ पर अच्छा फल देगा। घर आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है, कांच, क्रॉकरी, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तन में खाना खाना नहीं है, पानी पीना नहीं है, तो या तो आप स्टील यूज़ करिए या तो आप पीतल, तांबा, चांदी, सोना जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप यूज़ करिए। सॉलिड मेटल यूज़ करेंगे तो आपको ग्रोथ जल्दी मिलेगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। जय माता दी।